आपने हर उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की जो किसी भी इंसान की परवाज को महदूद करता है। In a society dominated by men, he decided to stand by the women. And to present this award, it is my absolute honor and pleasure to welcome on stage our very dynamic First Lady of Pakistan, Mrs. Samina Alvi. Let's have a look at the package. नईम अहमद मिर्जा पाकिस्तान में हुकूक़ निस्वा के एक मुहाफिज के तौर पर नुमाया हैं। वो 2017 से औरत फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जो कि एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में एक मुनसिफाना और हमदर्द माशरे के कयाम के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जहां मर्द और खवातीन को बराबर समझा जाता है। नईम की कयादत में औरत फाउंडेशन ने कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर एक ऐसे इदारे के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई जो खवातीन की समाजी, सियासी और माशी हकूक के लिए आवाज उठाता है और खवातीन और लड़कियों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। औरत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से नईम 2005 से एक घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी के लिए एक जानदार एडवोकेसी मुहिम चलाते रहे हैं, जिसको कामयाबी इस वक्त मिली जब 2013 में सिंध असेंबली ने एक कानून पास कर दिया और फिर दीगर तमाम सूबों ने भी इसकी तकलीक की। अपने आगाज से आज तक फाउंडेशन ने 400 से जायद ऐसे प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की शमूलियत की हौसला अफजाई करते हैं। इन्होंने जेंडर इक्वालिटी प्रोजेक्ट की भी सरबराही की है, जिसने सूबाई हुकूमतों, कारोबारी चेंबर्स, यूनिवर्सिटियों, मीडिया के इदारों और खवातीन की इलाकाई तंजीमों को 2010 से 2017 के दरमियान 275 से जायद ग्रांट्स भी दी, जिनसे बराह रास्त 1,30,00,000 अफराद ने फायदा हासिल किया, जिनमें अक्सरियत खवातीन की थी। नईम ने एक अहम किताब भी लिखी है जिसका उनवान तारीख की अजीम फेमिनिस्ट औरतें हयात नजरिए और तहरीकें हैं, और जो दुनिया भर की अजीम तरीन फेमिनिस्ट खवातीन की जिंदगियों, नजरियात और इनकी कयादत में चलने वाली तहरीकों का अहाता करती हैं। 2005 में नईम को फातिमा जिना अवार्ड और 2010 में इन्हें इंसानी हुकूक के शहीद बेनजीर भुट्टो अवार्ड से भी नवाजा गया। हम के लिए नईम अहमद मिर्जा की पाकिस्तान में सनफी मसावात के लिए अनथक काविशों का एतराफ काबिले फखर है। माशाल्लाह जी, he embraced equality by breaking the chains of oppression. Please welcome Mr. Naeem Mirza. मैं बहुत खुशी हो रही है और मैं भी ऐसी छोटे छोटे काम कर रही हूँ, मगर आप तो बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और जैसे रौनक ने मुझसे कहा कि मैंने डिफरेंटली एबल लाइन में करा है, तो मेरा तो बहुत ही छोटा सा है। रौनक और ये सब अमीना हशवानी तो बहुत काम कर रहे हैं, जैसे आप हैं औरत फाउंडेशन में कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि ऐसे देख के कि हमारे यहाँ इतना काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया सदर मुमलकत साहब, शुक्रिया मैडम फर्स्ट लेडी, शुक्रिया सुल्ताना सिद्दीकी साहबा, हमारी बहुत सी, ये आपकी वजह से हुआ है। मुझे तो सुल्ताना सिद्दीकी साहबा का शुक्रिया अदा करना है कि शी हैज़ ब्रॉट ऑलमोस्ट अ फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन इन द ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो मुझे उसके साथ साथ कुछ आलिया मिर्ज़ा का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे शुक्रिया अदा करना है औरत फाउंडेशन का। निगार अहमद और शैला ज़िया ने इसकी बुनियाद रखी थी। 1985 में हमारी शादी हुई, 1986 में औरत फाउंडेशन बन गई। तो हमारे घर में भी औरत फाउंडेशन थी और दफ्तर में भी औरत फाउंडेशन थी। तो हमने ये इतने साल इसी में गुजारे। और आखिर में एक और गुजारिश है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है घर घर में जो जिस तरह ये हो रहा है, खुदा रहा इस पर तो कुछ करें, इसको तो कुछ करें, और हमें जो कहेंगे हम करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत, खुदा हाफिज़। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर नईम, एंड थैंक यू समीना अलवी साहिबा।